तो जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो हम आ गए हैं हाईवे किंग, जो हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ का खाना हमें बहुत पसंद है। यहाँ खाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि बाहर खाया, बहुत ही अच्छा है। आपको भी बोला है कि एक बार ज़रूर विजिट करना। तो हमारे साथ आ गए हैं मम्मी पापा और चिराग है। हेलो चिराग, बिजी बिजी हो? थोड़ा मोबाइल में मैसेज चेक कर रहे थे। क्यों? आया था तो करेंगे ना यार। एक मिनट वेट कर लो, वीडियो ब्लर जा रहा था। अभी आ गया, अभी आ गया। कोई बात। तो क्या अभी प्लान क्या है? बस खाना वाना खाएंगे और घर जाएंगे। वो देखो कहाँ चला गया अभी। उसको पता है कि वहाँ पे है ना कार होती है चिराग। आम कार गोतो गोतो पानी मत कीजो तेरा तेरा कार में बैठा रहे सुना है इतने गोतो क्या कार में याद की लूँ रे मम्मी त्रासो त्रासो जाए। मम्मी आज भी आपने ट्यूनिंग किया है, मम्मी और पापा दोनों ने मैचिंग किया कल या कल के परसों के वीडियो में भी आप दोनों का मैचिंग था। तो ये है मम्मी पापा का प्यार, मैचिंग हो ही जाता है ना मम्मी। वैसे रोज करते नहीं है पर हो जाता है। कोई नहीं, चलो अभी खाने का कुछ डिसाइड किया कि अंदर जाके डिसाइड करेंगे? अंदर जाके डिसाइड करेंगे। चलो कियान, चलो चलो मम्मा। नदी बेटा कार नदी ने चलो अहिया उतारियो। अंकल छे ने હવે સામે ઊભા રહે છે, જો જો સામે પડી છે ને એક જીપ, જો એમાં હોય છે। चलो अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल शाम को गए थे हम बाहर खाना खाने के लिए, फिर आके थोड़ा फ्रेश मतलब घर पे ही बातचीत करके सो गए थे। तो अभी उठे हैं 5:30 बजे से, क्योंकि मम्मी पापा आज जा रहे हैं सूरत। चलो मिलवा ही देते हैं, बाद में तो मिलेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। बस अभी कहाँ जाने का सोच रहे हो? सूरत। सूरत सूरत जाना ही है। तो देखो यहाँ पे सामान हो गया है सब रेडी, और बज गए हैं सुबह के 6:15। चिराग भी हो गए हैं रेडी। चिराग ऑफिस जाना है डायरेक्ट, वहाँ से ऑफिस तो जाएंगे ना डायरेक्ट। मम्मी की ट्रेन कितने बजे की है? उनकी ट्रेन अराउंड 8 बजे की है, तो हम 6:30 से 7:45 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। तो कचौरी लेने का सोच रहे थे ना? कचौरी ले लेंगे बीच में एक टाइम के लिए, और एक टाइम का कुछ भी करेंगे क्या करना है। वो फ्रूट्स वगैरह लिया है, पर मम्मी पापा ना बोल रहे हैं खाने के लिए। मम्मी चल जाएगा पूरा दिन, मुसाफरी में कम खाना अच्छा है। वो बात तो भी सही है, तकलीफ पड़ता है। पापा रात के 1 बज जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं खावे तो भी अच्छा है। नाश्ता है ना, कोरा नाश्ता। आप लोगों की उम्र के लिए सबका ऐसा ही होता है कि ना खाए तो भी चल सकता है, पर हम लोगों को बहुत भूख लगती है। ट्रेन में क्या कुछ भी बुझाता रहता है, थोड़ा खाते रहते हैं, वो चलता है, चटर पटर चलता है और टाइम पास हो जाता है। सोच रहे कि दिवाली के बाद फिर आएंगे। हाँ एक बोल रहे कि नहीं आएंगे, एक बोल रहे कि आएंगे, अब देखो क्या होता है। पापा का तो सभी जगह जाना ही होता है, मेरे कोई घर पे रहना। तुझे घर पे रहना क्यों है? मेरी दवाई का खाना ढूंढना नहीं पड़ता कुछ, इधर मेरे को सब कुछ ढूंढना ही पड़ता है। तो मम्मी हम सूरत आएंगे तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं छुपा कर रखती हूँ, नहीं हम परमानेंट आएंगे सूरत। तो जी बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है, और मम्मी पापा चले गए हैं, चिराग गए हैं छोड़ने के लिए, कियान अभी सो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय। तो बस अब जैसे ही थे हम तीन लोग ही है, तो कियान सो रहा है, तब तक थोड़ा काम में निपटा देती हूँ, और बाद में कियान उठेगा तभी साथ में हम नाश्ता करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि कियान के साथ हमें मज़ा आता है नाश्ता करने में, वो भी साथ साथ में ही नाश्ता करता है। चिराग ने नाश्ता नहीं किया है आज, और चाय भी नहीं पी है, और रास्ते में जाते जाते कर लेंगे शायद। मम्मी पापा चाय नाश्ता करके गए, तो बस ऐसा है। अभी मम्मी पापा है नहीं, हम ही है जो तीन लोग, और अभी बस थोड़े ही दिनों में हम जाएंगे वापस सूरत, क्योंकि मम्मी का श्राद्ध है।
तो सूरत से फिर चलाला जाएंगे, चलाला से वापस सूरत में फिर हम मेरे बड़े ससुर जी बड़े सासू जी सबका श्राद्ध है तो वहाँ पे भी जाएंगे सूरत। तो बस यही है अभी, तो अभी तक का वो जो शेड्यूल हमारा। तो जी देखो ज्ञान उठ गया है, गुड मॉर्निंग ज्ञान, हेलो करो, हेलो करो, बोले सो नहीं करूं बहुत चा बताओ। देखो हम यहाँ पे है ना मिर्ची सेक रहे हैं जो हम गाठिया के साथ खाएंगे, इसका है चाय है ना, ये मिर्ची सेक के खाएंगे हम आज। ओके तो क्या उठ गया है, हम कर लेते हैं अभी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद कुछ नया करेंगे आज और मौज मस्ती भी करेंगे, पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो जी सुबह के 9:30 बज गए हैं और मेरा ध्यान नहीं था, मैं काम में बिजी थी और कियान ने यहाँ पे लपेड़ा वेड़ा कर दिया है पूरे बास्केट में, सभी जगह पे चॉकलेट चॉकलेट अभी भी कर रहा है। देखो प्लेन को बिगाड़ा, सारे टॉयज बिगाड़ दिए चॉकलेट से, क्यों कियान हेमडा क्यों ऐसा कर रहे हो, गंदी बात, आपको खाने के लिए दी थी ना चॉकलेट तो क्यों ऐसा कर रहे हो। देखो क्रीम की तरह लगा रहा है वो चॉकलेट अपने पैरों पे, ना लिया है सुबह सुबह फिर भी, और ये पूरा फैला के रखा है, उसको चड्डी भी नहीं पहननी है, पर मेरा काम हो गया सारा का सारा। देखो दिखा देती हूँ, ये हो गया ऑलमोस्ट क्लीन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये बेडशीट मैं अहमदाबाद से लाई थी और ये वैसे सब पूछ रहे थे ना, तो ये दोहर भी मैं अहमदाबाद से ही लाई हूँ, एरो ड्रैप करके शॉप है सीजी रोड पे, वहाँ से लाई हूँ मैं अहमदाबाद से ये चीज़ें लाती हूँ ना, एक मिनट में इसको रख दूँ वहाँ से। एक बार मैं मतलब पहले भी, ये देखो ये नीचे वाला जो है ना ये डबल का है और ये दोनों सिंगल सिंगल है, तो ये मैं वहाँ का यूज़ करती हूँ ना तो, और मुझे कहीं पे भी पसंद ही नहीं आ रहा है। वैसे मैंने जयपुर में भी यहाँ पे देखा, बापू बाज़ार में देखा, पर मैं अहमदाबाद चलाती हूँ ना तो मुझे वही पसंद आ रहा है। पर ये है कि ये महंगे आते हैं, ये तकरीबन ये दो मैं पिछली बार लाई थी तो 5,500-6,000 के आए थे, पर ये टिकते भी बहुत ही अच्छा है और ओढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा रहता है। मैं फिर अब जाऊंगी तो वापस 2-3 तो लेके ही आऊँगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्या अच्छा रहता है जब भी घर पे गेस्ट आते हैं फिर तो भी और दिखता भी अच्छा है, ओढ़ने में भी मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि सोते रहो सोते रहो। अभी रो रहा है, मेरा खाना भी दोपहर का बन गया है, भिंडी की सब्जी और रोटी, तो बस अब मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने और किया दोनों ने नहा लिया है, अभी उसको वापस मुझे नहलाना पड़ेगा क्योंकि पूरा चॉकलेट चॉकलेट सब कुछ कर दिया है, कमल आंटी काम कर रहा है, तो बस यही है। आया देखो सूझे किया जोड़े सो नहीं ना बैठे हो फीच, अभी क्या सोने की स्थिति में जा रहा है, शायद सो जाएगा है ना बेटा, नहीं नहीं करी जाओ चलो क्या के भी देते सुबह सो ही जाए। तो जी बजे 11:15 और क्या सोया नहीं, वापस उठ के आ गया बाहर और खेल रहा है ना बेटा है ना, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप निकल के आ गई है और यहाँ पे भी पाँव रखे तो भी बहुत गर्म लगता है, इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या ही बताएं आपको, मतलब बहुत गर्मी है अब तो। वैसे ऐसा मम्मी ये मक्खियाँ इतनी आती है ना, अभी तो ऐसा बोल दिया कि राजस्थान से है ना राजस्थान से बारिश विदाई लेगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बारिश आएगी, अभी तो गर्मी ही पड़ेगी, अभी ठंडी चालू होने में तो बहुत देर है, दिसंबर के आसपास ठंडी होगी तो तब तक गर्मी झेलनी है, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और सूरत में तो वैसे रोज़ बारिश हो रही है ऐसा मालूम पड़ा है। हाँ बेटा तो कोई नहीं, चलो आज का वीडियो का एंड हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि कियान वीडियो नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है कुछ है ना बेटा, क्या हो रहा है आपको वीडियो बनाने में।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज शाम को कुछ नया बनाएंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको रेसिपी मिलेगी। बाय बाय कर दे, चल बताने जय जय कर दे। ओके चलो बाय बाय।